वो प्रेयर देख लीजिए, प्रेयर हमने लिखवाई होगी आपको, क्लास चालू करने के पहले देखते हैं, वो देख लीजिए। लाइए, एक बार खड़े हो जाइए, बैग आप लोगों के इस गली में बाहर रख दीजिए। ठीक, एकदम टेंशन फ्री आनंदित खड़े होना, हाथ फ्री रखना, आंखें बंद रखना और मन में बोलना, जोर से नहीं। हे भगवान, आपका धन्यवाद, आपने मुझे मनुष्य बनाया। हे भगवान, आपका धन्यवाद, आपने मुझे पढ़ने लिखने का मौका दिया। हे भगवान, आपका धन्यवाद, आपने हमेशा ही मेरी मदद करी है, आगे भी करते रहना। हे भगवान, हम अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, हमें एकाग्रता प्रदान करना। हे भगवान, हम जिंदगी में हर जगह सफलता पाएं, कुछ ऐसा करना। हे भगवान, आपका बार बार धन्यवाद। बैठिए। मैंने कुछ होमवर्क दिया था, मैंने ये कहा था कि कम से कम 10 क्वेश्चन आपके पास जो भी बुक हो उसमें से करके लाना, प्रूफ देट करने वाले है ना। तो कितने लोगों ने कम से कम 10 कर लिए? हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ। हेलो भाई, हैं भूल गए थे, कभी सांस लेना मत भूल जाना दीदी, लिख के रखा करो है ना, हाथ उठा के रखो। बहुत सारे होमवर्क नहीं करके लाए, वेरी बैड, हाथ नीचे करो। कितने लोगों का मेरा ये वाला होमवर्क कंप्लीट है जिनको कल मेरे साथ डिनर पे चलना है, तो मैं उतनी सीट बुक करवा दूँ है ना। अच्छे से हाथ उठाओ। 38 तो अभी हैं, वहाँ उतनी सीट होगी कि नहीं होगी? और मैं आज होमवर्क चेक करूँगा ना तो अपनी पढ़ाई बिगड़ेगी। तो होमवर्क में मालूम कब चेक करूँगा? 5:30 से 6:15 के बीच। तो उससे क्या फ़ायदा रहेगा? जिनका होमवर्क कंप्लीट नहीं है वो 5:30 बजे घर चले जाएंगे, इस कमरे में वही वही रुकेंगे जिनको मेरे साथ चलना है। उनको मालूम है कि उनका होमवर्क कंप्लीट है, उनकी मैं कॉपी चेक करूँगा और 6:15 पर अपन यहाँ से पैदल जाएंगे। करीब 4-5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर सरगम टॉकीज, सरगम के जस्ट बगल में वो है। यस, तो कल कॉपी चेक करूँगा। तो जिसका थोड़ा बहुत होमवर्क बच गया है वो भी आज रात तक में करके कल संख्या बढ़ा सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ाई करें। 39 ईयर बुक बाहर से आपको गिफ्ट ले लेनी चाहिए, हाँ कि ना। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, ये कीजिए, कोशिश कीजिए, बनेगा, सरल है। कितने लोग सफल हो गए? हाथ नीचे करो। कितने लोगों को ये क्वेश्चन होमवर्क में ही कर लिया था, किसी खास बुक से किया होगा तो मिल गया होगा, IIT वगैरह की बुक से? देखिए साहब, इधर सुनिए बड़े गौर से। कॉलम वन में ऑपरेशन लगाया, column 1 + column 2 + column 3। अरे हाँ भाई हाँ, तो बोर्ड पे देखो, अभी लिखो नहीं, ये इधर आके सम हुआ। तो ध्यान से देखो, 2a + 2b + 2c हो गया, 2a + 2b + 2c हो गया, 2a + 2b + 2c हो गया। ये a है, ये b + c + 2a है, ये a है, ये b है, ये b है, ये c + a + 2b है। इसको मैंने कॉमन निकाल लिया। तुमको स्कूल में सब लिखना पड़ेगा, वो बताना पड़ता है टीचर को, नहीं तो उसे पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। ट्वाइस ऑफ a + b + c, अंदर बचा 1 1 1, इधर a, इधर b + c + 2a, a b b c plus a plus 2b। सुनिए, वैसे तो मैं जनरली इसमें से इसको घटाता था, फिर इसमें से इसको घटाता था, मगर अभी मूड आया
कि मैं सबसे लास्ट वाले में से इसको घटा दूंगा तो एक साथ दो जीरो मिलेंगे, मुझे काम मेरा आसान हो जाएगा। तो मैंने ऑपरेशन लगाया R3 में और R3 में से R1 को घटाया। बोर्ड पर देखते रहना भैया। अरे हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ। तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से ये गया जीरो, इसमें से ये गया जीरो, इधर एक बी कट गया तो एक बी अभी भी बचा है। ये करवाऊं कि नहीं करवाऊं? करूं एक और ऑपरेशन, R2 में ऑपरेशन, R2 माइनस R1। तो ये गया जीरो, ये हो गया बी प्लस सी प्लस ए हो गया, ये जीरो हो गया। वाह भैया वाह, वन ए बी हो गया। अब ध्यान से सुनिए, एक्सपांड फ्रॉम, मैं R3 से भी कर सकता हूं और C1 से भी कर सकता हूं, दोनों जगह दो दो जीरो लेके बैठा हूं। तो मैंने C1 से कर दिया, चलो तो 2a प्लस बी प्लस सी और ये 1, बाकी दोनों तो जीरो हैं, लिखने का मतलब ही नहीं। तो अंदर क्या बचा, b प्लस सी प्लस ए, जीरो जीरो b प्लस सी प्लस ए, तो इसका इससे मल्टीप्लाई होल स्क्वायर माइनस जीरो, और ये स्क्वायर और ये ऑलरेडी एक बाहर बैठा है, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ऐसा तो छापने की जगह समझदारी पूर्वक लिखें। जिन लोगों से ये बन गया था वो फ्री मत बैठो, मैंने आपको पैकेज बांटा है, वो करो। अगला क्वेश्चन दूं? सभी क्वेश्चन में हेडिंग यही रहेगी कि प्रूफ करना है बिना एक्सपांडिंग किए। कोशिश तो करो, आराम से मत बैठो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हाथ पर हाथ रखकर बैठने वालों की कभी जय जयकार नहीं होती। चेहरे से हाथ हटाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, दोनों हाथ ऐसे टेबल पर रख के पढ़ाई करो। अच्छा सुनिए, मैंने आप लोगों से कहा था ना कि अपन सेकंड बैच चालू कर रहे हैं, आप में से इच्छुक बच्चे सेकंड बैच में जंप कर सकते हैं, तो कितने बच्चे जंप करना चाहते हैं ऐसा मैंने पूछा था, तो एक ने भी हाथ नहीं उठाया, है ना? फिर भी सुन लो बड़े ध्यान से, नहीं तो फिर बोलना नहीं कि कहा नहीं था। ट्यूसडे को 6:30 से 8:30 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो जिन बच्चों का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का रिकवरी बाकी है, लेट एडमिशन लिया था और वीडियो से भी नहीं पढ़े, बैठे रहे आराम से घर पे, उनका स्वागत है। उस दिन मैं 6:30 से 8:30 उनको पढ़ा दूंगा, मगर एक शर्त है, यदि उस समय आपकी फिजिक्स या केमिस्ट्री की कहीं और कोचिंग में क्लास है, अपने यहाँ बॉन्ड में या कहीं और, तो मेरी सलाह है कि आपको उस रिकवरी में नहीं बैठना चाहिए, आपको अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरी मैथ्स की तो वीडियो है, आप रिकवरी ले सकते हो, मगर फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़कर मेरी क्लास में मत बैठना, ठीक है? मगर आप अपने मित्रों को जानकारी दे सकते हैं कि 6:30 से 8:30 के बैच में भी वो आकर ज्वाइन कर सकते हैं और इस 4 से 6 में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ट्यूसडे को हो सकता है कि इस डिटर्मिनेंट को रोक कर मैं मैट्रिक्स स्टार्ट कर दूं, उससे ये फ़ायदा रहेगा कि जो भी नया बच्चा बैठेगा उसको मैट्रिक्स समझ में आएगा, और एक लेक्चर का डिटर्मिनेंट बचेगा तो वो मैं मैट्रिक्स के बाद पढ़ा दूंगा, और दोनों चैप्टर एक जैसे हैं, आपको कोई फर्क महसूस नहीं होगा। ये कितने लोगों से बन गया ये वाला? ओहो, इस बार बहुत कम से बना है। क्या नाम है आपका? हर्षित जॉली। और हाथ उठाओ, और हाथ उठाओ। बहन बेटियों में दिव्यांशी अग्रवाल, और भाई भैयाओं में सिद्धांत जैन, श्रियांश वाजपेयी, बलभद्र दक्षिणी, बहन बेटियों में एक और नाम साक्षी महाशब्दे। चेहरे से, माथे से, गले से हाथ हटाओ, रीढ़ की हड्डी है एकदम सीधी रखो, स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखो, उससे ब्रेन एक्टिव रहता है, आप झुक के बैठोगे तो दिमाग सो जाता है,
तो यहाँ भी आंसर नहीं आएंगे और एग्ज़ाम हॉल में कुछ याद भी नहीं आएगा जो पढ़ाया गया होगा। हाँ, मेरा दिल कहता है कॉलम वन में ऑपरेशन लगाया, कॉलम वन माइनस कॉलम थ्री। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, सीधे होके बैठो और पेन मत चलाओ। देखो ध्यान से, ए बी सी, ए बी सी सेम साइन कट गया, फिर माइनस का बी सी ए, माइनस का बी सी ए सेम साइन कट गया, फिर सी ए बी इधर प्लस का है, माइनस ऑफ माइनस, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा क्या? तो इधर हो जाएगा टू सी टू ए है टू बी, और क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, ए माइनस बी माइनस सी, बी माइनस सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी। ध्यान से देखना, ये टू मैंने कॉमन निकाल लिया, आप अगली स्टेप में कॉमन निकालना। तो ये हट गया यहाँ से, ठीक है भाई। अब मैंने कॉलम टू में ऑपरेशन लगाया, बोलो क्या लगाया? हाँ, कॉलम, तो उससे कुछ फायदा हो रहा है क्या? हाँ हाँ, हो रहा है, हो रहा है। कॉलम टू माइनस, तो ये टू फिर क्यों कॉमन निकाला, बैठा रहने दो, अच्छा लग रहा। टू सी टू ए टू बी, फिर बताओ ये क्या हो गया, बोलो बोलो बोलो। ए बी सी कट गया, बी सी, अच्छा अच्छा, ए और सी कटा तो टू बी, टू बी टू सी टू ए, और इधर क्या हो गया। अब मैंने इसमें से यहाँ से टू और यहाँ से टू निकाला, तो ये क्या हो गया, देखते रहना। रेजोनेंस नाम की चीज़ क्या है, कोई कोचिंग है कि सब्जेक्ट है? धरती के बोझ केमिस्ट्री में पढ़ाई होती है क्या? केरा कोचिंग है। तो केमिस्ट्री वाले जो हमारे पवन सर हैं, आज बेसिक रेजोनेंस पढ़ाएंगे क्या? तो जिन बच्चों को बेसिक रेजोनेंस पढ़ना हो, उन सभी का स्वागत है। आप डेमो के नाम पर भी पढ़ सकते हैं, उस वाली बिल्डिंग में क्लास लगेगी। जिन बच्चों ने बिल्डिंग ना देखी हो, हमको बताना, हम आपको स्पेशली साथ में जाके छोड़ आएंगे, सिर्फ 10 मकान आगे, ठीक है बच्चा? तो अटेंड कीजिएगा। रेजोनेंस शब्द का मतलब क्या होता है, हिंदी शब्द क्या, अनुनाद क्या, तो फ्रीक्वेंसी मैच करना क्या। इंदौर में इस रेजोनेंस के चक्कर में एक जवान लड़के की डेथ हो गई थी। कैसे हो गई थी सुन लीजिए। उसने अच्छी क्वालिटी की कार खरीदी, अमीर घर का बच्चा, अच्छी क्वालिटी का म्यूजिक सिस्टम लगवाया, कार चली जा रही हाईवे पे, म्यूजिक उसने अच्छा फुल कर रखा था, एसी चालू कांच बंद, तो बाहर से कोई डिस्टर्ब साउंड नहीं आ रहा था। अब म्यूजिक में ऐसे म्यूजिक चालू हुआ, धीमा धीमा चालू हुआ, ढिक 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 ढिक, और वो जो स्लो स्पीड थी, एक समय उसकी हार्ट की बीट्स के साथ मैच हो गई। अब वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो तो मशीन है, उसके साथ रेजोनेंट हो गया क्या, हार्ट बीट, हार्ट बीट उसके साथ डांस करने लगी, ढिक 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 ढिक, उसको वहीं हार्ट अटैक आया और मर गया। महंगी कार, महंगा म्यूजिक सिस्टम का ये होता है, इसलिए नैनोम चलो क्या। तो बताइए, सी ए बी, बी सी ए, आपका रेडियो जो बचता है वो भी क्या है, फ्रीक्वेंसी। आपका रेडियो भी फ्रीक्वेंसी फेंकता है, उधर से ट्रांसमीटर फेंकता है, यहाँ से रेडियो फेंकता है, जब दोनों मैच हो जाती है तो गाना बजने लगता है। अरे हाँ कि ना, तो ऐसा ही कुछ केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। कि ना सुहाग सर ने वैसे ही बेसिक इंट्रो तो दे ही दिया। तो बच्चा बताओ, सुनो, अब मैं क्या करूंगा बोलिए, सी और बी इसमें जोड़ दूं, तो देखो साहब क्या हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो। सी थ्री में ऑपरेशन, सी थ्री प्लस सी वन प्लस क्या, तो सी ए बी बी सी ए, और ये क्या, और ये हमारा कौन, हैंस प्रूट।
याद करो याद करो, एक क्वेश्चन था उसमें ये था और ये प्रूफ करना था। निकालो निकालो, पन्ना पलटो, एक नज़र देख लो उस प्यार को, जल्दी देख लो भाई, जल्दी 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 देख लो भाई। मिटा दूं मिटा दूं? अरे मिटाऊं क्या, लिख लो भाई। और जो लोग से पहले ही बन गया था वो एक नज़र मेरा पैकेज देखो भाई, उस पैकेज पे अपना नाम लिख लो, आज की डेट डाल दो। नीचे नाम लिखने की जगह हमने दी है, वहीं कहीं डेट डाल दो आज की, क्योंकि सबके पास पैकेज सेम हो जाएगा तो कोई पड़ोसी को उठा के बैग में डाल देगा। पैकेज मिला दीदी आपको बाहर से लेना है? ऐसे कैसे कहना खत्म हो गए? ये कोई शब्द कहना नहीं है तुम्हारे कहना, अन्ना हजारे को यहाँ बुलाना पड़ेगा। मेरे ऑफिस को सरकारी ऑफिस बना रखा है सारे कर्मचारियों ने, उनको पहले से मालूम है कि कितने बच्चे यहाँ बैठते हैं और बहुत सारे वीडियो लैब में बैठते हैं दूसरी कोचिंग के, सबको गिनकर 20 ज़्यादा मंगाओ ये बोला है मैंने। बातें ना करो भाई, तुमसे ये क्वेश्चन नहीं बना उसका दुख होना चाहिए। मिटा दूं भाई मिटा दूं? आइए बोर्ड पे देखिएगा, ये नया क्वेश्चन करिए जल्दी फटाफट करिए, ये सबसे सरल है अभी तक के क्वेश्चंस में। बच्चा सरकना, मिटा दूं बच्चा इसको मिटा दूं? ये कितने लोगों से बन गया, ये देखो क्या बात। बोलो बच्चा क्या करूंगा? R1 में ऑपरेशन लगाऊंगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, बोलो बोलो, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, बोलो 2B 2C B माइनस C माइनस A 2C 2B C माइनस A माइनस B, ऊपर से कौन भागा और अंदर क्या बचा? बोलो भाई 2B 2C, बोलो B माइनस C माइनस A 2C 2B C माइनस A माइनस B, बोलो भाई A प्लस B प्लस C, सही है क्या? एक काम करते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, एक दस दो जीरो मिल जाएंगे। अरे हाँ हाँ, तो C3 में ऑपरेशन लगाया, C3 माइनस C1, बोलो रे बाबा रे, जीरो जीरो, और वो आके घटा तो माइनस C माइनस A माइनस B हो गया क्या जीवन में? दीदी क्यों साथ साथ में लिख रहे हो दीदी, हैं? वो फिल्म देखकर आए कि हम साथ साथ हैं? बताओ साहब, अब इधर क्या करूं? एंड एंड C2 में ऑपरेशन, बोलो C2 में ऑपरेशन, C2 माइनस क्या, तो बोलो क्या हो जाएगा? बोलो जीरो माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और ये बोलो वन टू बी, और ये क्या, तो कहीं से भी ओपन कर दो। तो मैंने यहां से ओपन कर दिया, तो ए प्लस बी प्लस सी, ये वाला वन और बगल में क्या बचा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, जीरो जीरो, और इधर क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बाहर, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, स्क्वायर हो गया, और फिर क्या हो गया? अगला करिए भाई, कोशिश करो भाई कोशिश। दिख नहीं रही क्या राइटिंग? बड़ी करूं क्या? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स लिखा आखिरी में। हाँ सुनो, अपने पास सिर्फ आधा हिस्सा था ना बिल्डिंग का, तो ये बगल वाला हिस्सा उधर के क्लासरूम खाली पड़े रहते थे, वो भी मैंने बोल दिया मकान मालिक को, वो भी अपन ले रहे हैं। तो एक या दो दिन में ये दीवार फूटेगी और क्लासरूम लंबा होगा। आप लोग सलाह करो क्या करना चाहिए, पीछे से लंबा करूं कि इधर से चौड़ाई बढ़ाऊं? चौड़ाई बढ़ाऊं तो बाहर वाली कंप्यूटर लैब हटेगी हैं, और ऑफिस वालों को वॉशरूम जाना होगा, तुम्हारे बीच में से कूदते हुए जाएंगे। करेंगे करेंगे, मेरे को दोनों करने का मूड है,
लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़नी चाहिए, सिर्फ एक तरफ से बढ़ बढ़ के क्या होगा है। अरे बाहर सोनो, अरे अवि सिंह एक मिनट बाहर से बुला देना किसी को, किसी को भी बुलाओ। मैम क्या हुआ, बाकी बांटो ना, जितने हो गए उतने बांटते जाओ, वो कुछ प्रिंट निकल रहा है वो बंटवाना है, मैडम से बोलो मैडम ही बांटे। इधर इधर तुमको मिला कि नहीं मिला, ये कागज का टुकड़ा बंटवा रहा हूं, वो कितने बच्चों को नहीं मिला हाथ उठाओ। ये इधर मैडम आपके पीछे दो और हाथ उठाओ, उसके पीछे कम से कम रफर्क तो करने काम आएगा, जो बट रिया हो ले लिया करो। एक बार गुजरात में मैं चाट खा रहा था तो उसने मुझे पहले पूछा चटनी डालूं, मैंने कहा डाल दे, फिर कहता सेव डालूं, मैंने कहा डाल दे, फिर कहता अनार दाना डालूं, मैंने कहा जो जो फ्री है सब डाल दे, और क्या कहे भाई। मिटा दूं इसको बच्चा, मिटा दूं। चलिए सुनो सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान से सुनना, इसको क्या कहते हैं LHS, इसको क्या बोलते हैं RHS। ओ दीदी सुनो तो सही, ये क्या कहलाएगा, मिडिल हैंड होता। मैंने इसीलिए तो बोला इंग्लिश मीडियम, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मिडिल हैंड साइड हाउ। इसलिए समझदारी रखें जिंदगी में, लेफ्ट टर्म क्या, राइट टर्म और मिडिल टर्म, जल्दी करिए। कौन जल्दी करो भाई, बोर्ड पे देखिएगा बड़े ध्यान से, आप लोगों से बन गया हो तो भी देखिएगा। लेफ्ट टर्म ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, तो बोर्ड पे देखते रहिएगा बड़े ध्यान से, सुनिए गौर से सुनिएगा। एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई और डिवाइड, हेलो हाय, बोर्ड पे देखना। ओ भैया सीधे होके बैठना, आड़े तेड़े मत हो। ये वाले एक्स का मल्टीप्लाई वर्टिकल कॉलम वन में, इस वाह वाह वाह, ये वाई का किस में, कॉलम टू में, और जेड का किस में, कॉलम थ्री में वर्टिकली। तो बोलो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, बोलो रे बाबा रे, बोलो बोलो बोलो, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और ये क्या, अरे हाँ भाई हाँ भाई हाँ, ये बोलो साहब, वाई स्क्वायर वाई क्यूब एक्स वाई जेड, बोलो बोलो बोलो, जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई जेड, अरे हाँ भाई। नीचे से एक्स वाई जेड कॉमन खींच लिया तो हिसाब बराबर, पर बोलो साहब, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब वन वन वन, अरे हाँ, बोर्ड पे देखिएगा बड़े ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को इंटरचेंज किया, आर टू आर थ्री को एक दूसरे से इंटरचेंज किया, तो बाहर माइनस वन कॉमन आ जाएगा, तो ये तो कट गया, बाहर माइनस वन लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब वन वन वन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर से R1 R2 एक्सचेंज कर दिए, तो एक और माइनस वन बाहर आने से प्लस वन हो गया, और वन वन वन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, इससे इसको कितने लोग ले आए, आप लोग ऐसा मत करना कि इससे ये ले आए इससे ये ले आए, हैंस प्रूव क्यों डबल मेहनत कर रहे हो, इससे सीधा ये आ जाएगा और इससे ये आ जाएगा। हाथ उठा के रखो, हाथ उठा के रखो, इतना लिखो और इसी में आगे स्टेप बढ़ाओ, अगली टर्म भी आ जाएगी।
वो तीनों हो चुका है तो मेरा पैकेज देखो। हाँ 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 फिर अच्छा, और वो दोनों बहनें ऐसे बतिया रही हैं? कैसे बतिया रही? अरे हमें नहीं पूछना उनसे फार्मूला, आप मुझसे पूछो, जल्दी करो, छापना नहीं। मिटा दूँ बच्चा, मिटा दूँ इसको? अरे मिटाऊं? देखना बच्चा, बोर्ड पे देखो, उसमें आगे कदम बढ़ाया, C3 में ऑपरेशन लगाया, C3 - C2, बोलो क्या हो गया? 0, Z² - Y² Z³ - Y³ एंड मैं एट ए टाइम फिर से ऑपरेशन लगाना चाहता हूँ, तो जिसमें ऑपरेशन लगा था उसको यूज़ नहीं कर सकता, तो मैंने C2 को यूज़ किया, C2 - C1। तो पहले मैंने ये लगा लिया, फिर ये लगाऊंगा, तो 0 Y² - X² Y³ - X³ 1 X² X³। मैंने यहाँ से एक्सपांड कर दिया, तो ये वाला 1 बाहर बैठा, अंदर बचा Y² - X² Y³ - X³ Z² - Y² Z³ - Y³। सही है, सुनिएगा, इसको क्या लिख सकता हूँ? Y - X, बोर्ड पे देखते रहे ना, Y+X। उरी बाबा, इसको क्या लिख सकता हूँ? Z - Y, Z+Y। वाह भैया वाह, बोर्ड पे देखते रहना, इसको क्या लिख सकते हैं? हाँ बोलो, हाँ केरा खुद ही लिख लो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? Y - X, Y² + XY + X²। सही है क्या? चेहरे से हाथ हटाओ, बोर्ड पे देखना, इसको क्या लिख सकते हैं? Z - Y × क्या? Z² + ZY + Y² लिख सकते हैं क्या? ये तो लिख ही चुके थे आप। सुनिए, इसमें से क्या कॉमन निकाला? उसमें से G1 में क्या बचा? Y² + XY + X² Z + Y Z² + ZY + Y² सही है क्या? सही है। अरे ठीक है, Column 2 में ऑपरेशन लगाया, Column 2 - 1 Column, तो Y - X Z - Y। बोलो, इसमें से इसको घटाया, बोलो रे बाबा रे, क्या हुआ? बोलो, Z - X, और इधर क्या हो जाएगा? बोलना रे बाबा रे, Y² से Y² मर जाएगा, तो ये हो गया Z² - X² + ZY - XY। सही है क्या? Y + X Y² + XY + X² इतना लिखो भैया, और क्या करें? मिटाऊं क्या बच्चा, मिटाऊं? यहाँ की एक या दो स्टेप मिटा दूं क्या? बोर्ड पे देखते रहना भाई, बोर्ड पे देखते रहना भाई, सुनिए सुनिए, अब मेरी बात सुनो। मेरा जो दिल कहता है वो ये कहता है कि Z - X है और क्या है? Z+, और इसमें से Y कॉमन निकालो तो क्या लिखा है? तो मैं हॉरिजॉन्टल Z - X कॉमन निकाल लेना चाहता हूँ, तो Y - X Z - Y, बोर्ड पे देखते रहना, Z - X, और इधर डिटर्मिनेंट क्या बचा? Y + X Y² + XY + X², और इधर पे बचा 1, और इधर क्या बचा? Z + X + Y। अब ये डिज़ाइन तो लिखी हुई है, मान लो लिखी हुई है, इसका इससे मल्टीप्लाई, Y + X X + Y + Z - Y² + XY + X², तो बोलो क्या हो जाएगा? ये डिज़ाइन लिखी हुई है, इसका इससे मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ब्रैकेट काटेंगे तो आंसर आ जाएगा, हेंस प्रूट। रुकना रुकना, हाँ लिखो भाई, इसको जल्दी लिखो। अरे छापने की जगह कोशिश करो कि पहले इकट्ठा समझ लो,
और कसम खाओ कि जब लिखना शुरू करेंगे तो ऊपर नहीं देखेंगे तो तरक्की होगी, देख देख के छाप लोगे तो कैसे तरक्की होगी? पूरा बोर्ड मिटा दूं क्या एक बार? मैंने अभी जो आपको कागज दिया वो हाथ में उठाओ, हिंदी में लिखा है कुछ? और सुनो, उसको जब अभी आप बंद करें तो ऐसे बंद करना, ऐसे, ठीक? अभी आप पहले पढ़ लीजिए, बाद में जब फोल्ड करके आप कॉपी में रखें तो पढ़ लो उसको, ध्यान से पढ़ो। पिछले साल क्या होता था कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और कहाँ इंद्रपुरी पढ़ा रहे हैं या कोलार पढ़ा रहे हैं, या इस साल भी बैरागढ़ का प्लान था। इस साल पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं सिर्फ एमपी नगर में बैठा हूँ आपके डाउट डिस्कशन करने के लिए, और वो जो कोने वाला वेलवेट वाला रूम है वो मेरा पर्सनल केबिन बनेगा, पूरा उतना बड़ा कमरा, और गोल बड़ी सी टेबल लगाऊंगा और दिन भर उपलब्ध रहूंगा, आप जब चाहें तब मेरे से डाउट डिस्कशन करें। उसमें कूलिंग सिस्टम के लिए एक कूलर अलग से लग जाएगा। एक नज़र आप उसको पढ़ लीजिए, पूरा ध्यान से पढ़ लीजिए, नीचे की इंग्लिश भी पढ़ना। तो क्लास ट्वेल्थ के दो बैच हो गए, इलेवेंथ का एक हुआ, टेंथ का एक हुआ, और नाइन्थ भी स्टार्ट कर रहे हैं, मगर उसमें लकी सर पढ़ाएंगे, मैं संडे संडे पढ़ाया करूँगा। और आपके जान पहचान में कोई ड्रॉपर हो तो उनको अपन लाइव डेमो प्रोवाइड करेंगे 30 डेज तक। उससे ये फ़ायदा रहेगा कि मान लो उनको कोई कॉलेज मिलता है काउंसलिंग में तो वो कॉलेज जा सकते हैं, और एकदम फाइनली ऐसा होता है कि नहीं मिल रहा है कुछ तो ड्रॉप लें। ऐसा मैंने कैसे फोल्ड करने को बोला तुम्हें, कैसे फोल्ड करने को बोला था? फोल्ड करने के बाद मेरे नाम दिखने चाहिए, हाँ, उल्टा मोड़ो उसको। हर जगह जिंदगी में क्रिएटिविटी चाहिए क्या? मान लो आपको रजिस्टर से गिरकर कहीं सड़क पे भी गिरे तो मेरा नाम दिखना चाहिए, हाँ, बिन सुहाग सब सुन क्या? कल सिटी भास्कर में फ्रंट पेज पर ये एड आएगा, रंगीन आएगा, इतना बड़ा नहीं आएगा, थोड़ा छोटा आएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन करिए भाई, बातें ना करें। क्वेश्चन नंबर 11 करें। ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कितने लोगों को यह क्वेश्चन एकदम ही सरल, लो लेवल का और टुच्चा महसूस हो रहा है? एकदम ही सरल सरल महसूस हो रहा है, हाथ उठाइए, वहीं पर है ड्रॉज में, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। अरे सिर्फ 4 लोगों को सरल लग रहा है, क्या नाम भैया का? श्रेयांश वाजपेयी, शैली खरे, हाँ, नहीं सरल टुच्चा, बमुश्किल एक या दो स्टेप में आंसर। क्या नाम दीदी का? ओ हेलो भाई, अमोलिका, क्या होता है इसका मतलब? अनमोल, वाह, और हाथ उठाओ। मधुलिका भी एक थी ना फिल्म में, मंजुलिका, यस, हाँ। सारांश, अटेंडेंस जल्दी करवाओ भैया, रोज इतनी लेट क्यों लाते हो आप लोग? वहां बोलो मैनेजर को कि 4:30 बजे यहां अटेंडेंस का रजिस्टर आना चाहिए ना। क्या नाम? सर अभिषेक, आगे सर अभिषेक मेहता, बड़े ध्यान से बोर्ड पे देखना, बड़े गौर से बोर्ड पे देखना, सुनिएगा। अरे हेलो हाई, सुनिएगा, मैंने वर्टिकली ए कॉमन निकाला तो ये क्या हो गया? ए प्लस 1/a, बी और सी, ऐसा हो गया क्या? मैं वर्टिकली निकालूं कि हॉरिजॉन्टल निकालूं? हॉरिजॉन्टल निकालते हैं, चलो हॉरिजॉन्टल निकाला तो क्या हो गया?
ठीक है, और ऐसे हॉरिजॉन्टल मैंने बी निकाला, मतलब यो ए निकालूंगा, ऐसा बी निकालूंगा और ऐसा सी निकालूंगा, बोर्ड पे देखते रहे ना भाई। तो ये बी प्लस वन अपॉन बी हो गया, और ये क्या हो गया भाई, बोर्ड पे देखते रहना बाबा, ऐसे में सी निकालूंगा तो ये बी हो गया, ये सी स्क्वायर प्लस वन अपॉन सी हो गया, वाह भैया वाह, बोर्ड पे देखना। मैंने हॉरिजॉन्टली खींचा था और वर्टिकली डाल दिया हिसाब बराबर करने के लिए, तो ए स्क्वायर प्लस वन, ए स्क्वायर बी जहां डाल दिया, बी स्क्वायर प्लस वन, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वन। एक क्वेश्चन करवाया था मैंने, क्वेश्चन नंबर टू, जिसमें एस आर के यूज हुआ था, पन्ना पलट के देखो, एस आर के मैंने स्पेशली इसलिए उसमें एस आर के लिखा था कि मैं बाद में बार बार उसको यूज करूंगा। तो फिलहाल एस आर के की जगह क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अगले स्टेप में तो भैया आंसर आ गया, कितने लोगों ने एक एक दो और तीसरी में आंसर फेंक दिया, ओनली सारांश वाजपेयी, श्रेयांश वाजपेयी, ये अंश अंश क्यों नाम रखते हैं माँ बाप, अंश मतलब मालूम क्या होता है, टुकड़ा, क्या पूरा नाम रखो ना कि यस आई एम कंप्लीट, बधाई हो, उसमें क्या है, मेरा मेथड लिख लो, लिख लो साहब, लिख लो जल्दी फटाफट लिख लो, बातें ना करो, उसमें शो करना कि ना हॉरिजॉन्टली ए बी सी कॉमन निकाला, फिर अगले स्टेप में लिखना वर्टिकली डोनेट कर दिया, मिटा दूं मिटा दूं, बात ना करें, अटेंडेंस रजिस्टर आगे बढ़ाओ भाई, बढ़ाओ आगे बढ़ाओ उसको जल्दी जल्दी, नहीं तो फिर आप लोगों को रुकना पड़ता है। बातें न करें, मैं अभी आपको चेक भी डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा टॉप 10 स्टूडेंट्स के। हाँ, कितने लोग सफल हो गए, अरे राम राम, देखो कितने कम है, बस यही तो एक गम है, राम 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 राम, हाथ नीचे करो, बादाम खाओ, गर्मी के दिन है, ज़्यादा मत खाना, एक या दो खाना, रात को पानी में भिगा देना, सुबेरे छिलका उतार के आधी बादाम 3 मिनट चबाना, फिर आधी 3 मिनट, फिर आधी 3 मिनट, फिर आधी 3 मिनट, उसके बाद एक ग्लास हो सके तो गाय का दूध, हाँ भैंस का दूध तुम्हें ब्रेन डेवलप नहीं कर पाएगा, बॉडी बिल्डर बना देगा, बॉडी बिल्डर नहीं बॉडी बिल्डर, हाँ ये ब्रेन डेवलप करने के तरीके हैं, अब तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है, पापा बेचारे पैसे कमाने में लगी, मम्मी के टीम लगी, तुम्हें सलाह कौन दे। बोर्ड पे देखिएगा आप, बड़े गौर से देखिएगा, इतना टुच्चा क्वेश्चन था, तुम क्वेश्चन सॉल्व करने में हाफ गए, यहां देखो सुनना, ऊपर से नीचे से ए वन कॉमन निकाला तो क्या हो गया बताओ, वन अपान ए वन, वन अपान ए वन, वन अपान ए वन, इसमें से ए टू निकाला, वन अपान ए टू, वन अपान ए टू प्लस वन, वन अपान ए टू, इसमें से ए थ्री निकाला, वन अपान ए थ्री, वन अपान ए थ्री, वन प्लस वन अपान ए थ्री। अरे भाई एस आर के वाला क्वेश्चन है भाई, फिर तुम लोगों को नहीं दिखा, ये टेंशन है यार, जस्ट अब भी लास्ट क्वेश्चन जो किया, ए वन ए टू ए थ्री, और ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, वन प्लस वन अपॉन ए वन, वन अपॉन ए टू, वन अपॉन ए थ्री, डन भाई साहब, मिटा दिया जाए।
अगला कीजिए। पूरा क्वेश्चन लिखना। अच्छा, जीरो आंसर किस किस का आ गया? अच्छे से हाथ उठाओ, उठाओ ना बे, एक भी बहन बेटी का नहीं आया। हाथ नीचे करो। कितने लोगों का आंसर वन आ गया? वन। उरी, कितने लोगों का माइनस वन आ गया? माइनस वन। क्या नाम दीदी का? शैली। खरे। श्रेयांश। वाजपेयी। बाद वाले हाथ नहीं मानेंगे भैया। क्या नाम? कुलदीप साहू। तीन लोगों का सही। बोर्ड पे देखिएगा, बोर्ड पे देखिएगा बड़े गौर से। अरे दोस्त, बाहर जाके उनसे बोलना कि ना चेक जल्दी दे दो, नहीं तो बच्चे चले जाएं फिर क्या मतलब है। कहना ज्यादा सजावट नहीं करनी, ले आओ तुम तो। सुनो बच्चा, बड़े ध्यान से सुनो, मैं पढ़ाता हूं और आप भूल जाते हैं, मैं पढ़ाता हूं और आप लोग भूल जाते हैं। मैंने ब्रेक डाउन ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ाया था। कौन? इतने खुश हो रहे हो तुम, न जाने कौन आ गया जिंदगी में। एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वन 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 प्लस एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। ओ भैया, ओ हेलो हाई, जहां देख ले जीवन में नखून मत खाओ। बोर्ड पे देखिए साहब, इन दोनों को एक्सचेंज किया तो वन 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 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड बाहर किया। अब बड़े गौर से देखो रे बाबा री, इसमें से क्या कॉमन? एक्स तो वन एक्स एक्स स्क्वायर, फिर क्या? वाई कॉमन, वन वाई वाई स्क्वायर, फिर कौन? जेड कॉमन, वन जेड जेड स्क्वायर। अरे हाँ, अरे हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ। इसको मैं फिर से एक्सचेंज कर दूं तो बाहर प्लस वन हो जाएगा, तो देखो दोनों की शक्ल सेम हो गई क्या? तो इसका नाम यदि मैं रख दूं डी फॉर डिटरमिनेंट, तो डी फॉर डिटरमिनेंट प्लस एक्स वाई जेड, और यहां भी कौन आ गया? डी फॉर, तो डी कॉमन क्या हो गया साहब? डी कॉमन, अंदर क्या बचा? वन प्लस एक्स वाई जेड बराबर क्या? तो सुनो, तुम याद करो अपना सबसे पहला क्वेश्चन, और मैंने कहा था कि रिमेंबर, याद रखिएगा, ये जो तुम्हारा डी है ये वही है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और ये हुआ वन प्लस एक्स वाई जेड। तो सुनो, या तो ये जीरो, या तो ये जीरो, या तो ये जीरो, या ये जीरो, मगर ऑल आर डिफरेंट, क्वेश्चन में लिखा है। इसका मतलब ये लोग जीरो नहीं हो सकते, ये लोग जीरो, इसलिए मजबूरन इसे जीरो होना पड़ेगा। तो आंसर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो, इधर आप लिख देना कांट जीरो बिकॉज एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड। अरे समझ रहे हैं भावनाओं को, जल्दी लिखिए भाई। एक मिनट रुक जा भाई, दूसरों के लिए तालियां बजा के जा, है ना, इसको नोट कर ले। अच्छा रुको, नोट करना बंद करो, ये बच्चे इस गली में आकर जल्दी से खड़े हो जाओ, मैं जिसका नाम बोल रहा हूं वो सबसे पहले आके खड़े हो जाओ, क्रम तो मालूम ही आप लोगों को। तो सबसे नीचे वाला सबसे पहले, श्रेयांश वाजपेयी, जल्दी खड़े हो जाओ भाई। जल्दी खड़े हो जाओ भाई, श्रेयांश के बाद वेदांत शर्मा, उसके पीछे खड़े हो जाओ आयुष अनजाने, फिर उसके बाद अनिरुद्ध मेहता। भैया खड़े होते जाना जल्दी जल्दी, थोड़ा आगे पीछे हो जाओगे तो चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। फिर प्रखर केसरी, समर्थ गुप्ता, तुम जहीं बैठे हो आखिरी में आ जाना इधर। सिद्धांत जैन, जल्दी हट जाओ, जगह दे दो भैया। विवेक सिंह, दिव्यांशी अग्रवाल, हाँ आप आगे पीछे हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है।
बाल भाद्र दक्षिणी। अरे यस भैया, हाँ श्रेयांश वाजपेयी आइए भैया स्टेज पर आइए, जोरदार तालियां बजाइए भैया सभी लोग, बजाओ बजाओ बजाओ, जोरदार तालियां बजाओ। अरे बिना साइन करे दूंगा तो गुप्त दान कहलाएगा ना भाई, बजाओ तालियां। वेदांत शर्मा के लिए जोरदार तालियां, अबे बजा ले बजाओ। आयुष अंजाने के लिए जोरदार तालियां, बजाओ। राइट टाइम ताली बजा लिया करो, नहीं तो खुदा अगले जन्म में ऐसा बना देगा हर कभी बजाते रहोगे। अनिरुद्ध मेहता के लिए जोरदार तालियां, बजाओ। प्रखर केसरी के लिए जोरदार तालियां, बजाओ। समर्थ गुप्ता के लिए जोरदार तालियां, बजाओ। तालियां बजा के जा, रुक जा भाई। सिद्धांत जैन के लिए जोरदार तालियां बजाए। विवेक सिंह के लिए जोरदार तालियां। बजाओ। दिव्यांशी अग्रवाल के लिए जोरदार तालियां, ज्यादा तालियां। बहन बेटियों में इकलौता नाम बलभद्र दक्षिणी के लिए जोरदार तालियां। इनसे हमको फीस थोड़ी मिली है, चेक ले जाते हैं हर बार। थैंक यू भैया। तो मैंने जो आपको एक लेटर दिया है तो आप अपने दोस्तों को जानकारी देना नए बैच की, होमवर्क करके रखना तो कल पार्टी में अपन धूम मचा सके ऐसा। थैंक यू जी सर। एक मिनट होल्ड होल्ड। हाँ अच्छा, केमिस्ट्री की अभी रेजोनेंस की क्लास है, बेसिक रेजोनेंस, तो आप पढ़कर जाइएगा उस बिल्डिंग, जिसको ना मालूम हो तो मैं ले चलूं। अरे यस मालिक। अटेंडेंस अटेंडेंस, अरे अटेंडेंस गेट पे खड़े हो लेके, मैडम वहां खड़ी हो जाओ। तो अटेंडेंस रजिस्टर किधर है, ऊंचा करो उसको। अटेंडेंस रजिस्टर कहाँ है, ऊंचा करो, ऊंचाई करो। उधर दे दो भैया, तुम मैडम के हाथ में दे दो। हाँ मैडम का नया नाम रखा मैंने, मायावती। वहां गेट पे खड़े हो जाओ भाई।